आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जीनर डायोड। चलिए देखते हैं जीनर डायोड क्या होता है। तो जीनर डायोड एक स्पेशल पर्पस डायोड होता है, इसको हम लोग स्पेशली डिजाइन करते हैं। इसको रिवर्स बायस में ऑपरेट करने के लिए इसको स्पेशली डिजाइन किया जाता है। जीनर डायोड को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इसको डिजाइन किया जाता है, और वो स्पेसिफिक पर्पस को हम लोग जानेंगे। वो स्पेसिफिक पर्पस क्या है और वो जीनर डायोड में वो पर्पस कैसे आया है। तो सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं। जीनर डायोड इज अ स्पेशल पर्पस हेवली डॉप्ड सेमीकंडक्टर डायोड। Which is designed to operate in reverse bias. जो मेरा normal semiconductor diode होता है उसको स्पेशल पर्पस के लिए हम बनाते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन करके स्पेशल पर्पस के लिए हम क्या बनाते हैं, एक स्पेशल डायोड बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, हम सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या करते हैं, हेवली डॉप करते हैं। हेवली डॉपिंग करके हम एक डिवाइस फॉर्म करते हैं और उसको हमेशा रिवर्स बायस में ऑपरेट करने के लिए फॉर्म करते हैं। वो मेरा होता है जीनर डायोड। इसके सिंबल को देखते हैं, इसका सिंबल जो मेरा नॉर्मल डायोड होता है उसमें यहां पे हम क्या, जैसे नाम से ही हमको पता चल रहा है जीनर, तो यहां पे जेड फॉर्म कर देते हैं, यहां पे जेड फॉर्म कर देंगे तो जीनर हो जाएगा। ये इसका एनोड और ये कैथोड। अब देखिए इसका पर्पस क्या है, इसको कैसे पहले पर्पस देखते हैं, इसको डिजाइन क्यों की। तो ये इसको इसलिए डिजाइन की, इसके थ्रू कितना हूँ, कितना भी रिवर्स बायस में, कितना भी ज़्यादा रिवर्स बायस में, किस में ऑपरेट कर रहे हैं, रिवर्स बायस में ऑपरेट कर रहे हैं, रिवर्स बायस में कितना भी ज़्यादा करेंट फ्लो कर जाए ये डैमेज नहीं होगा, ये वर्न नहीं होगा। और जब हम इसको रिवर्स बायस में कितना हूँ करेंट फ्लो कराए, इसके जो दो टर्मिनल हैं इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, हमेशा क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। यानी कितना भी करेंट रिवर्स बायस में फ्लो करा दे, रिवर्स बायस में कितना भी करेंट फ्लो करा दे, ये मेरा डायोड बर्न नहीं होने वाला है। और इसके टर्मिनल के, दो टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है कांस्टेंट रहने वाला है। और इसी प्रॉपर्टी के आधार पे हम इसका उपयोग करके बहुत सारे डिवाइस को बनाते हैं, रेगुलेटर को बनाते हैं, इस डिवाइस को रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल। पहले हम पढ़ चुके हैं पीएन जंक्शन डायोड, जो मेरा नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है इसके फंक्शन को पूरा पढ़ चुके हैं। पीएन जंक्शन डायोड है, और ये मेरा जीनर डायोड है, ये जीनर डायोड है। तो इसको हमको रिवर्स बायस में ऑपरेट करने के लिए ही स्पेशली डिजाइन किया गया है। और वो डिजाइन कहां से आया है, वो पर्पस वो हमको कहां से मिला है, इसमें हेवली डॉपिंग की। नॉर्मली हम ये जो पीएन जंक्शन डायोड मिल रहा है, बना है, उसमें हेवली डॉपिंग करेंगे तो ये मेरा जीनर डायोड फॉर्म हो जाएगा। तो हम
अगर एक आम का पेड़ देते हैं, आम का पेड़ है और एक बांस है, एक मैंगो का ट्री है, एक बंबू का ट्री, तो हम देखते हैं जब आंधी आता है, बहुत तूफान से जोरों से आंधी आता है, तो आम का पेड़ क्या होता है, टूट जाता है, टूट के गिर जाता है। उसी तरह जब हम इसको भी रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं, ये मेरा नॉर्मल पीएच जंक्शन डायोड है, इसको रिवर्स बायस में हम जो फंक्शनिंग था देखे हैं पिछले क्लास में, तो उसी तरह ये ऑपरेट करता है। रिवर्स बायस में हम क्या करते हैं, जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं, रिवर्स बायस में क्या किए, ये मेरा पी है, ये एन है, पी को निगेटिव टर्मिनल, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किए, ये क्या हो गया, रिवर्स बायस में हो गया। तो इसको हम रिवर्स बायस में ऑपरेट किए, रिवर्स बायस में कनेक्ट किए, तो क्या होगा, एक जब हम ये वोल्टेज को, जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, वो वोल्टेज एक स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा होगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये डायोड बर्न हो जाएगा, ये डायोड जल जाएगा, और उस किस पॉइंट पे जलेगा, उसी वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते थे, ब्रेकडाउन वोल्टेज, एक खास वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज पे ये मेरा क्या होगा, डायोड बर्न कर जाएगा। तो उसी तरह जैसे आम का पेड़ जैसे आंधी में क्या होता है, टूट के गिर जाता है, ये भी क्या होगा, जब खास यहाँ पे जो अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज, पोटेंशियल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं रिवर्स बायस में, उसके कारण क्या हो रहा है, हाई करंट फ्लो कर रहा है और हीट जनरेट हो रहा है, और उस हीट के कारण ये क्या हो जा रहा है, बर्न हो जा रहा है। लेकिन जीनर डायोड ऐसा नहीं, जीनर डायोड एक बांस के पेड़ की तरह है, बांस की तरह है, जो कितना भी इसके थ्रू करंट फ्लो कर जाए, कितना भी इसके थ्रू रिवर्स बायस में, सबसे पहले क्या किया, इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट किए, ये पी टर्मिनल, ए टेन एन टर्मिनल निगेटिव से कनेक्ट किए, इसके थ्रू कितना भी करंट रिवर्स बायस में फ्लो करे, रिवर्स बायस में फ्लो करे, ये करंट को अलाउ करेगा, करंट को फ्लो कराएगा, बर्न नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा, यही इसका मेन पर्पस है। तो ये बर्न हो जाएगा, ये मेरा डायोड है, बर्न हो जाएगा। लेकिन जैसे बांस का पेड़ जैसे आंधी आता है, क्या होता है, झुक जाता है, कितना हुआ नहीं होता है, झुक जाता है, गिरता नहीं है, टूटता नहीं है, और बाद में फिर क्या होता है, अपना खड़ा हो जाता है, उस बांस की पेड़ की तरह है ये जीनर डायोड। तो देखिए ये भी रिवर्स बायस में अपडेट हो रहा है, ये भी रिवर्स बायस में अपडेट हो रहा है, लेकिन इसमें क्या किए हैं, डॉपिंग क्या है, हाई है, हेवली डॉप किए, हेवली डॉपिंग किए, जिससे हमको एक प्रॉपर्टी मिला है, क्या प्रॉपर्टी मिला है, कि इसके थ्रू रिवर्स बायस में कितना भी करेंट फ्लो हो, हीट जनरेट नहीं होगा, क्या होगा, हीट जनरेट नहीं होगा, हीट जनरेट नहीं होगा, ये बर्न नहीं होगा, इसके थ्रू क्या होगा, बैरियर पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा, यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा अगर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो करेगा और ये हीट जनरेट होगा, ये बर्न हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसके फंक्शनिंग को, ये बर्न कर जा रहा है, ये बर्न नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, यही इसका स्पेशल प्रॉपर्टी है, और इसी प्रॉपर्टी के उपयोग करके हम इसको बताएंगे। ये जो प्रॉपर्टी बताएं, ये प्रॉपर्टी आया, इसको सबसे पहले बताएं, क्लीरेंस मेल्विन जीनर ने इसको सबसे पहले देखा, इस डायोड के प्रॉपर्टी को सबसे पहले क्लीरेंस मेल्विन जीनर ने देखा कि इसके थ्रू कितना भी करंट फ्लो करे क्या होगा, ये बर्न नहीं होगा, हीट जनरेट नहीं होगा, हीट जनरेट नहीं होगा तो ये बर्न नहीं होगा, और इसके दोनों टर्मिनल पे जो पोटेंशियल बना है वो फिक्स रहेगा। तो इसको सबसे पहले देखा क्लीरेंस मेल्विन जीनर है, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम दिया गया जीनर डायोड, इसको बोला गया है जीनर डायोड। तो देखते हैं कैसे ये बर्न कर जा रहा है, ये कैसे बर्न नहीं कर रहा है, बर्न नहीं कर रहा है, कैसे नहीं बर्न कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो हम एक पीएन जंक्शन डायोड लेते हैं और एक जीनर डायोड लेते हैं, थोड़ा छोड़ा लेते हैं,
ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। और यहां पे एक जीनर डायोड लेते हैं, जीनर डायोड का कंस्ट्रक्शन लेते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हेवली डॉप्ड है, इसमें डॉपिंग बहुत ज्यादा किए हैं, डॉपिंग क्या किए बहुत ज्यादा किए हैं। तो ये पी और ये एन, तो क्या होगा, इधर होल्स होगा मेजोरिटी कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर, इधर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, इसको फिल कर देते हैं, ये मेरा इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये हेवली डॉप्ड है, इसका मतलब ये है कि इसमें कंसंट्रेशन क्या है बहुत ज्यादा है, इसलिए इसमें क्या ज्यादा होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ज्यादा होल्स है इधर, इधर ज्यादा अमाउंट में लार्ज नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जैसे ही ये डायोड मेरा डिवाइस फॉर्म होगा, मेरा डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होगा, चलिए देखते हैं इसको, डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होगा, मेरा डिवाइस जैसे ही फॉर्म होगा, इधर से होल एन साइड की ओर, इधर से इलेक्ट्रॉन पी साइड की ओर जाएंगे, इधर से होल एन साइड की ओर, इलेक्ट्रॉन पी साइड की ओर जाएंगे, और क्या होगा, डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो जाएगा। तो यहां पे मेरा क्या हो जाएगा, डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो गया, डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो गया, ये डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो गया। यह है नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड पर लिखते हैं, पीएन जंक्शन डायोड, और यह है जीनर डायोड, यह है जीनर डायोड। इसमें भी जब से डिवाइस फॉर्म होगा क्या होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, और डिफ्यूजन प्रोसेस होगा तो यहां पे डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाएगा, डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाएगा, लेकिन क्या इसमें क्या है, हेवली डॉपिंग है, क्या है, हेवली डॉपिंग है, उसके कारण क्या होगा, इसका डिप्लीशन रीजन बहुत ही नैरो होगा, पतला होगा इसका डिप्लीशन रीजन, क्या जैसे जैसे डॉपिंग इंक्रीज करते हैं, डिप्लीशन विथ डब्लू क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डॉपिंग के, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो डिप्लीशन विथ होता है वो क्या होता है, डॉपिंग का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डॉपिंग इंक्रीज करेंगे डिप्लीशन रीजन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें हेवली डॉपिंग है, हेवली डॉपिंग है, इसलिए इसका क्या होगा, डिप्लीशन रीजन पतला होगा, ये लाइटली डॉप्ड है, इसका डिप्लीशन रीजन उसके तुलना में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये हेवली डॉप्ड है, इसका डिप्लीशन रीजन पतला होगा। अब हम डिवाइस को क्या कर दिए, दोनों को तो हमको क्या करना है, रिवर्स बायस में ही ऑपरेट करना है,
रिवर्स बायस में ऑपरेट कराना है ये एनोड टर्मिनल, ये कैथोड टर्मिनल। रिवर्स बायस में कनेक्ट कीजिए, रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिए, इसको भी रिवर्स बायस में कनेक्ट कीजिए, रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिए। और ये जो यहाँ पे बैटरी लगा है ये वेरिएबल बैटरी है, इसके हम क्या कर सकते हैं, इसको इंक्रीज कर सकते हैं पोटेंशियल को, इसको जो बैटरी को पोटेंशियल को इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब देखिए रिवर्स बायस में जैसे ही कनेक्ट किए क्या होता है, रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन क्या होता है, रिवर्स बायस में बढ़ जाता है। डिप्लीशन रीजन रिवर्स बायस में पढ़े हम लोग, क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसको जैसे ही इंक्रीज करते चलेंगे, जितना इंक्रीज गए उतना क्या होगा, डिप्लीशन रीजन चौड़ा होता जाएगा। तो ये क्या होगा, अब ऐसे कुछ चौड़ा होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे फिर, डिप्लीशन रीजन यहां से और चौड़ा हो जाएगा, और चौड़ा हो जाएगा। तो देख रहे हैं इसका डिप्लीशन रीजन क्या हो गया, बहुत चौड़ा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया डिप्लीशन रीजन। जैसे जैसे इसको इंक्रीज करते चलेंगे, रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाएंगे, इसका क्या होगा, डिप्लीशन रीजन बढ़ते जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं, इसको भी बढ़ा रहे। तो ये डिप्लीशन रीजन फॉर्म किए तो यहाँ पे ये क्या है, निगेटिव चार्ज होता है ये, और ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये निगेटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये सब बातें हम लोग देख चुके हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट होता है डिप्लीशन रीजन के क्रॉस, ये माइनस ये प्लस, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। तो यहां पे एक डिप्लीशन रीजन का पोटेंशियल क्रिएट हो गया, यहां पे पोटेंशियल क्रिएट हो गया। अब चलिए तो ये पोटेंशियल जो क्रिएट हुआ इसके अलोंग यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए इस जेनर डायोड में, ये जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जितना इसमें है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए इसमें वोल्टेज को इंक्रीज करिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या देखेंगे, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे डिप्लीशन विथ क्या होगा, इसके अपेक्षा क्या होगा, बहुत कम होगा। क्यों कम होगा, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे होल्स है, ये क्या होंगे, इसमें हेवली ड्रॉप है, जिसके कारण क्या होगा, ये इधर से इधर कंबाइन करेंगे और क्या होगा, बहुत ही कम स्पेस से ही क्या होगा, इसके इतना पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्रिएट हो जाएगा। इसके इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमको क्या चाहिए, डिप्लीशन विथ क्या चाहिए, इससे कम चाहिए, इससे कम होगा। चलिए इसको फॉर्म कर दिए, डिप्लीशन विथ हो गया, यहां पर डिप्लीशन विथ कम हो गया। तो हम बात कर रहे हैं ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये वीडी, ये वीडी इक्वल है, इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, पोटेंशियल बैरियर क्रिएट करने के लिए हम इसको इंक्रीज करें, ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। तो इसके दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज्यादा टेक्निकली देखे तो डीएल, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट के बीच, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए डी होता है, ये डी है, और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है, वी इज इक्वल टू एडी होता है। ये होता है कि दो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस डी है और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बी है, तो भी क्या होता है, भी इलेक्ट्रिक डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ए डी। ये होता है अगर वेरिएबल के लिए, देखिए हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, उसके लिए ये क्या होता है, ये होता है।
तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वी अपॉन डी, ये हुआ। तो जितना ज्यादा यहां पे दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस है, ये तो मेरा कांस्टेंट है, यहां पे ये कांस्टेंट रखना है, भी कांस्टेंट है, दोनों जगह सेम है, तो इसको जितना इंक्रीज करेंगे ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी इसमें डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, क्या होगा, कम होगा। और इसका क्या, इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, ज्यादा है उतना के बराबर, लेकिन क्या है यहां पे डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, इससे बहुत कम है, बहुत कम रहता है, इसलिए इसमें क्या होगा, इसके पोटेंशियल डिफरेंस, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को ईजेड बोल दिए, ईजेड क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, लार्ज होगा। यानी क्या होगा, ईजेड का वैल्यू ग्रेटर ग्रेटर होगा इसे। बात समझ में आया, क्या देख रहे हैं कि इसमें है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है जीनर डायोड में, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। अब देखिए इसमें पोटेंशियल को बढ़ाते हैं, मान लीजिए यहां पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो जैसे जैसे हम इसको इंक्रीज करेंगे तो ये क्या होगा, हाई काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, जैसे जैसे लार्ज बी के वैल्यू पे, लार्ज पोटेंशियल पे ये क्या होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत लार्ज होगा, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, और ये इसमें जाएगा, इसमें चला भी जाएगा, चला जाएगा तो क्या होगा, यहां पे जो बॉन्ड बने हुए हैं, मान लीजिए एक सिलिकॉन का बॉन्ड बना हुआ है, यहां पे बॉन्ड बना के है, इलेक्ट्रॉन सब बॉन्ड बना के है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन, और इसकी एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी इसका क्या है, बहुत ज्यादा है काइनेटिक एनर्जी, यानी ये बहुत फास्ट मूव कर रहा है, तो ये क्या होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, झटके में इधर से निकाल देगा, और ये भी जो हो जाएगा तो दो हो जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन हमको फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हो गए, और ये दो फ्री इलेक्ट्रॉन फिर क्या करेंगे, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो और सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्री कर देंगे, और जब इलेक्ट्रॉन फ्री कर देंगे तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है ना, ये क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो इधर से फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन फ्री करने के लिए जो बॉन्ड में बने हैं, फ्री करने के लिए उनसे क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, यानी कोलिजन हो रहा है, और कोलाइड करेगा तो यहां पे क्या होगा, हीट जनरेट होता है, यहां पे कोलाइड कर रहा है तो कोलाइड से, कोलिजन से क्या होगा, हीट जनरेट होगा, कोलिजन से क्या होगा, हीट जनरेट होगा, तो कोलिजन से हीट जनरेट हो रहा है, तो हीट जनरेट होगा तो मेरा लार्ज करंट फ्लो करेगा, हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट के कारण मेरा क्या होगा, डिवाइस जल जाएगा, डिवाइस क्या होगा, जल जाएगा। लेकिन इसके केस में देखते हैं इसका डिप्लीशन विथ क्या है, डिप्लीशन रीजन क्या है, बहुत पतला है इसके तुलना में, तो मान लेते हैं यहां पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद भी है, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो क्या करेगा, इधर मूव करेगा, मूव करेगा, इसमें मान लेते हैं बॉन्ड मौजूद भी है, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड, तो उसको ब्रेक नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, और ये डिप्लीशन विथ क्या है, बहुत कम है डिप्लीशन, तो क्या होगा, मूव करके इस साइड से इस साइड चला जाएगा, मूव करके इस साइड से इस चला जाएगा, तो यहां पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो ही नहीं रहे हैं, तो यहां पे कोलिजन हो ही नहीं रहा है, तो कोलिजन नहीं हो रहा है तो हीट जनरेट नहीं होगा, हीट जनरेट नहीं होगा, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद ही नहीं रह रहे हैं तो करंट फ्लो करेगा कैसे, क्या लार्ज करंट फ्लो करता है, शुरू में ही बताए थे लार्ज करंट फ्लो करता है जनरेटर डायोड के केस में, तो करंट फ्लो करेंगे कैसे, तो करंट फ्लो कैसे करेगा, इसमें जो बॉन्ड मौजूद है यहाँ पे क्या है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को
ये बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और ये इधर से इधर मूव करने चले मूव करने लगेंगे। तो पोटेंशियल, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ब्रेक होता है और लार्ज करेंट फ्लो करता है। कोलिजन नहीं होता है और कोलिजन नहीं होता है तो हीट जनरेट नहीं होता है। तो इससे होके कितना भी करेंट फ्लो करे, कितना भी करेंट फ्लो करे, मेरा जेनर डायोड उसको फ्लो कराएगा, ब्रेक नहीं करेगा, बर्न नहीं होगा, बर्न नहीं होगा। तो ये है इसकी फंक्शनिंग, कैसे फंक्शनिंग करता है। ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड को जब रिवर्स बायस में ऑपरेट कराते हैं, इसको जेनर डायोड की तरह हम क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, पता चला आपको? तो ये इसका स्पेशल पर्पस क्या है, इसको हेवली डॉप करते, उस डॉपिंग के कारण क्या, देखे इतना सारा कहानी इसमें छुपा हुआ है, उस डॉपिंग के कारण इतना सारा कहानी इसमें छुपा हुआ है। इसको हम क्या कर सकते हैं, जेनर डायोड की तरह हम यूज कर सकते हैं, ये जेनर डायोड इसको बोल सकते हैं। और वहीं इसको जब रिवर्स बायस में कर रहे हैं, जबकि डॉपिंग क्या है, कम है, तो ये मेरा क्या हो जा रहा है, जल जा रहा है। इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखे थे, कैरेक्टरिस्टिक को देखे थे नॉर्मल जो पीएन जंक्शन डायोड को, रिवर्स बायस के जो कैरेक्टरिस्टिक को देखे थे, तो क्या होता था, पोटेंशियल को इंक्रीज करते चलिए करते चलिए बहुत ही कम करेंट फ्लो करता था। एक ऐसा स्पेसिफिक लिमिट पे, जिसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, उस पर क्या हो कर रहा था, मेरा डिवाइस क्या होता था, लार्ज करेंट फ्लो कराता था और ये वे बर्न हो जाता था। इस पॉइंट पे भी ब्रेकडाउन वोल्टेज पे ये बर्न हो जाता था, जिसके लिए इसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसके लिए देखें तो इसका ब्रेकडाउन पॉइंट यहाँ है, ये इस पॉइंट पे कम करेंट फ्लो कराते कराते जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं, हाई करेंट फ्लो कराता है लेकिन हीट जनरेट नहीं होता है, उसकी वजह से ये क्या होता है, मेरा डिवाइस बर्न नहीं होता है और ये बर्न हो जाता है। इसको लिए मेरा जेनर डायोड के लिए है ये बीबी ब्रेकडाउन पॉइंट, इसको बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन, VZ जीनर वोल्टेज बोल दिए, और ये है जीनर ब्रेकडाउन, और ये था मेरा एवलांची ब्रेकडाउन, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे ब्रेकडाउन मैकेनिज्म में, जीनर ब्रेकडाउन और एवलांची ब्रेकडाउन क्या होता है। तो ये जिसपे ये मेरा डायोड जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड था रिवर्स बायस में बर्न हो रहा था, डायोड क्या होता, ब्रेक हो रहा था, डिस्ट्रॉय हो रहा था, वो मेरा क्या था, ब्रेकडाउन वोल्टेज था, और उस ब्रेकडाउन को हम लोग क्या बोलते हैं, एवलांचे ब्रेकडाउन, एवलांचे एवलांचे ब्रेकडाउन, और इसको बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेक। तो आपको पता चल गया होगा कि जेनर डायोड मेरा फंक्शनिंग कैसे करता है, इसका ऑपरेशन ऑपरेटिंग क्या है, ये किस पर्पस के लिए यूज होता है, और वो पर्पस कैसे आता है, हेवली डॉपिंग से कैसे हमको मिला, उसको हम लोग देखें। चलिए इसको अब हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो चलिए हमारे सामने है इसका पूरा डिटेल, सब कुछ बात कर चुके। तो मेरा जीनर डायोड कैसे फॉर्म होता है, जीनर डायोड इज मेड अप ऑफ हेवली डॉप सेमीकंडक्टर मटेरियल, हेवली डॉप सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है, यही इसका मेन पॉइंट है। द हेवली डॉप का मतलब क्या है, इसमें इम्प्यूरिटी को क्या मिला है, बहुत ज़्यादा मिला है। हेवली डॉप मीन्स हाई लेवल ऑफ इम्प्यूरिटीज इज एडेड टू द मटेरियल। हेवली डॉप का मतलब क्या है, इसमें हाई डॉपिंग किए हुए हैं, इम्प्यूरिटी को ज़्यादा मिलाए हुए हैं मटेरियल में, इम्प्यूरिटी को ज़्यादा मिलाए हैं, क्यों मिलाए हैं, इसके कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, फॉर मेकिंग इट मोर कंडक्टिव, इसको ज्यादा कंडक्ट करने के लिए हम इसको हेवली डॉप किए हैं। हेवली डॉप के कारण मेरा क्या होता है, हेवली डॉप के कारण क्या होता है, इसका डिप्लीशन रीजन कम होता है, जैसे जैसे डॉपिंग बढ़ाते हैं क्या होता है, हेवली डॉप का डिप्लीशन रीजन पतला होता है। बिकॉज ऑफ हेवली डॉपिंग द डिप्लीशन रीजन ऑफ द जेनर डायोड इज वेरी थिन एंड इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस डिप्लीशन रीजन इज वेरी लार्ज वेरी हाई। डिप्लीशन रीजन क्या है? बहुत कम है, बहुत थिन है। डिप्लीशन रीजन बहुत थिन होगा, हेवली डॉप है तो बहुत थिन हो गया, डिप्लीशन रीजन है, उसके कारण क्या हो गया? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन इज वेरी लार्ज। कैसे देखे हैं, बताए हैं इंटेंसिटी लार्ज कैसे होगा? डिप्लीशन रीजन तो पता चल रहा है, क्यों? जैसे जैसे डॉपिंग बढ़ाते हैं डिप्लीशन रीजन क्या होता है? कम होता है। डिप्लीशन रीजन क्या होता है? कम होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा चुके हैं आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड हाई कैसे होता है। हाई क्यों होगा? क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस में क्या हो रहा है, स्मॉल डिस्टेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ज्यादा है, इसके कारण इसलिए E का वैल्यू क्या होगा? लार्ज होगा। तो हाई इंटेंसिटी होता है पोटेंशियल डिफरेंस के डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस, कम ही रिवर्स बायस वोल्टेज पे हमको ज्यादा इंटेंसिटी मिल जाता है। इवन फॉर द स्मॉल रिवर्स बायस वोल्टेज, स्मॉल कम रिवर्स बायस वोल्टेज पे ही हमको क्या होता है, इंटेंसिटी जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का हाई मिलता है डिप्लीशन रीजन के क्रॉस। मेन पॉइंट यही मेन पॉइंट है। चलिए वर्किंग देखिए, जब इसको रिवर्स बायस में हम कनेक्ट करते हैं, व्हेन द रिवर्स बायस अप्लाइज अक्रॉस द जेनर डायोड, क्यों इसको हमको रिवर्स बायस में ही यूज करना है, रिवर्स बायस में यूज करना है, तो रिवर्स बायस में अप्लाई किए क्या होता है, रिवर्स बायस अप्लाई किए द सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू द जेनर वोल्टेज। रिवर्स बायस में वोल्टेज अप्लाई करना शुरू किए और जब ये रिवर्स बायस वोल्टेज वीजेड के बराबर होगा, रिवर्स बायस वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हैं ये वीजेड यानी जीनर वोल्टेज के बराबर होगा, जीनर वोल्टेज के बराबर होगा, उस पॉइंट से मेरा क्या होगा, जीनर डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, जैसे जैसे सप्लाई को बढ़ाए, रिवर्स बायस में कनेक्ट किए, जीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज मिला, वोल्टेज जो भी अप्लाई करें वीजेड के बराबर हो गया, उस पॉइंट से मेरा क्या होगा, रिवर्स बायस में मेरा जीनर डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। जीनर वोल्टेज क्या है? जीनर वोल्टेज वह वोल्टेज है जिस पे मेरा जो ये डिप्लीशन रीजन है क्या होता है, देख चुके हैं इसका डिप्लीशन रीजन क्या होता है, पतला होता है, बहुत थिन होता है, इसका डिप्लीशन रीजन तो बहुत थिन होता है। तो वो वोल्टेज, वो मिनिमम वोल्टेज जीनर, वो वोल्टेज जिस पे ये जो मेरा डिप्लीशन रीजन है ये खत्म हो जाए, वार्निश हो जाए, ये खत्म हो जाए, उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, डिप्लीशन जीनर वोल्टेज, जीनर वोल्टेज बोलते हैं। तो जीनर वोल्टेज इज द वोल्टेज विच एट विच डिप्लीशन रीजन इज कंप्लीटली वार्निश, जिस वोल्टेज पे मेरा क्या होगा, डिप्लीशन रीजन जो फॉर्म हुआ है ये खत्म हो जाएगा, उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, जीनर वोल्टेज। और वहां से मेरा डायोड क्या होगा, जीनर डायोड रिवर्स बायस में लार्ज करंट फ्लो कराना शुरू कर देगा उस जीनर वोल्टेज पे, उस जीनर वोल्टेज पे ही कम इंक्रीजमेंट पे, जीनर वोल्टेज को कम ही बढ़ाएंगे तो मेरा करंट लार्ज होना शुरू कर देगा। जैसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखे थे, यहां पे ऐसे था कुछ, देखे थे कैरेक्टरिस्टिक इसका ऐसे था, जैसे जैसे बढ़ा रहे थे जब वीजेड के पास पहुंचता है, वीजेड के पास ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन के पास, तो ये क्या होता है, लार्ज करेंट फ्लो करना शुरू कर देता है। यहाँ पे देखिए करेंट क्या है, इस पॉइंट पे ऐसे ए, इस पॉइंट पे मेरा करेंट इतना है, इतना पर पहुंचा तो करेंट क्या है, इतना पहुंचा तो करेंट हमको इतना ज्यादा मिल रहा है, यानी पोटेंशियल वोल्टेज में बहुत कम ही वोल्टेज इंक्रीज किए तो करेंट लार्ज इंक्रीज करना शुरू कर दिया। तो ये इसका रीजन है कि लार्ज करेंट पे हमको कांस्टेंट वोल्टेज मिलता है, इसी का हम उपयोग करके क्या करेंगे, इसको एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे रेगुलेटर में। तो वो वोल्टेज जिसपे डिप्लीशन रीजन क्या हो जाए, वार्निश हो जाए, खत्म हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, जीनर वोल्टेज। तो क्या किए, इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट किए, रिवर्स बायस का वोल्टेज जब सप्लाई वोल्टेज जीनर वोल्टेज के पास पहुंचा तो ये रिवर्स बायस में कंडक्ट करना शुरू कर दिया। अब देखिए कैसे किया, आपको पता है कैसे इलेक्ट्रॉन को कैसे, इसका पूरा ऑपरेशन सबको बता चुके हैं। तो देखिए जब रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो रिवर्स बायस का जो वोल्टेज होता है
द रिवर्स बायस अक्रॉस जेनर डायोड, जेनर डायोड के अक्रॉस जो रिवर्स बायस अप्लाई किए इंक्रीज करता है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। उस डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता है, जान चुके हैं। इसके इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी को क्या किया, इंक्रीज कर दिया। मेन पॉइंट ये है, दस इट अलाउज द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप टू द कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ जिससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, बॉन्ड को ब्रेक करा देता है और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में चले जाते हैं। पी टाइप से पी रीजन से क्या होते, पी टाइप का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कंडक्शन बैंड में जाना शुरू कर देगा। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जो फ्री होंगे, जो इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ईजेड के कारण ब्रेक हुए हैं, क्योंकि इसमें तो कोलिजन हुआ ही नहीं, डायरेक्ट मेरा इलेक्ट्रॉन इस साइड से इस साइड पार कर गया डिप्लीशन रीजन से, क्योंकि इसका जो डिप्लीशन रीजन का जो लेंथ था, विड्थ था, बहुत ही कम था। ये हाई और ये इलेक्ट्रॉन है हाई काइनेटिक एनर्जी के, इस साइड से इस साइड चले आए तो इसमें कोलिजन नहीं हुआ और नहीं हीट जनरेट हुआ। तो इलेक्ट्रॉन ब्रेक कैसे हुआ, हमको करंट हाई करंट मिला कैसे, तो हाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही क्या होता है, जो बॉन्ड होते हैं ब्रेक होते हैं और इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जाता है और कंडक्ट करना शुरू कर देता है, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। दिस ट्रांसफरिंग ऑफ वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन टू द कंडक्शन बैंड रिड्यूसेस द बैरियर बिटवीन द पी टाइप एंड एन टाइप। ये जो पोटेंशियल बैरियर होता है यहाँ पे, उसको वही जो अब बॉन्ड ब्रेक हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, देखिए यहाँ पे एक बना देते हैं आपके लिए, डिप्लीशन रीजन बहुत ही कम है। अब यहाँ पे क्या हो रहे हैं, मान लेते हैं ये P है ये N है, रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिए, रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिए, तो ये होल्स है इधर डिप्लीशन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री है तो इधर जाएगा, तो इसमें जो बॉन्ड है उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी स्पीड बहुत हाई है और डिप्लीशन रीजन का विड्थ क्या है, बहुत कम है, तो इस साइड से इस साइड चला जाएगा, ये इस साइड से इस साइड चला जाएगा, इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा और कोलिजन नहीं होगा। लेकिन ये बॉन्ड ब्रेक होगा, किसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक होगा, इसमें जो है जो बॉन्ड है वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बॉन्ड ब्रेक होगा और वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे, वैलेंस बैंड से हाई लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे। लोअर एनर्जी लेवल मतलब वैलेंस बैंड, हायर एनर्जी लेवल मतलब कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे और मेरा डायोड का जो ये पोटेंशियल बैरियर है, ये जो पोटेंशियल है, ये डिप्लीशन रीजन है, ये खत्म हो जाएगा और करेंट स्टार्ट करना, फ्लो करना शुरू कर देगा रिवर्स बायस डायरेक्शन में। क्लियर है? तो ये इसका फंक्शनिंग था, ये इसका फंक्शनिंग था, ये इसका फंक्शनिंग था। तो देखिए ये तो है मेरा स्पेशल डायोड था, एक जीना डायोड क्या था, एक स्पेशल पर्पस के लिए डिजाइन किए थे, उसमें क्या किए थे, हेवली डॉपिंग किए थे। ये नॉर्मल डायोड से कैसे डिफरेंस है, कैसे रिवर्स बायस में नॉर्मल डायोड को भी हम अपडेट कराते हैं उससे कैसे डिफरेंट है उसको बता चुके हैं। अब एक बात और देख लेते हैं, अगर हम इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दें, मेरा जीना डायोड है उसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दे तो कैसे बिहेव करेगा, तो नॉर्मली जो मेरा जनरल कन्वेंशनल डायोड होता है पीएन जंक्शन डायोड उसकी तरह वर्किंग करेगा, उसकी तरह वर्किंग करेगा जैसे मेरा जेनर डायोड वर्क करता है। उसको नोट भी कर लीजिए, नोट देके कर लीजिए, इन फॉरवर्ड बायसिंग, इन फॉरवर्ड बायसिंग जीनर डायोड
works as an ordinary PN junction diode. PN junction diode. एक पॉइंट इसमें हम आपको ये भी बताए हैं, जीनर वोल्टेज, जीनर वोल्टेज उसको भी नोट कर लीजिए। जीनर वोल्टेज VZ से डिनोट करते हैं। ये क्या है? जीनर वोल्टेज इज द वोल्टेज एट विच डिप्लीशन रीजन कंप्लीटली वार्निश। पॉइंट ये हुआ और ये पॉइंट ये हुआ। तो यहाँ पे आपके जीनर डायोड हम लोग स्टडी किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ब्रेकडाउन मैकेनिज्म को देखेंगे, जीनर डायोड के ब्रेकडाउन मैकेनिज्म को, रिवर्स बायस में कब ब्रेकडाउन करता है ऑर्डिनरी डायोड और जीनर डायोड, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे।